गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल से ब्लॉगिंग शुरू की है और अभी हमारे सेकंड ब्लॉग है एंड अभी सुबह के बज रहे होंगे 11। अभी उठा था मैंने कहा चलो अभी ब्लॉग एडिट करा, ब्लॉग पे लगाया हुआ है, इंशाल्लाह फर्स्ट ब्लॉग आपको मिल जाएगा मेरा 1 बजे तक। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी उठा था मैंने तो ब्लॉग एडिट किया, अपलोड पे लगा दिया है। तकरीबन नेट की स्पीड अभी स्लो चल रही है तो तकरीबन 1 बजे तक आ जाएगा, 11:15 हो रहे हैं। एंड आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, सुकून वाला मौसम हो रहा है। जो ठंड जैसे आपको भी पता है कल बारिश हुई थी तो ठंड पड़ गई, तो अभी है कि मौसम अच्छा हो रहा है। मैंने कहा चलो अभी ये बाहर से ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं क्योंकि सेकेंड ब्लॉग है मेरा। अभी ये नाश्ता बन रहा है, नाश्ता बन चुका है, बल्कि अभी जाते हैं नाश्ता करते हैं फिर आपसे। तो ये है कि हम नाश्ते पे आ गए हैं, नाश्ता ये है हमारा, कुछ चाय बिस्किट वगैरह हैं बस, कि हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, ज़्यादा कुछ हैवी होता नहीं है। तो ये है कि हल्का फुल्का नाश्ता है, नाश्ता वास्ता करके फिर आपको चाय पीते हैं, चाय पी के बताते हैं आज का क्या हमारी रूटीन है, क्या नहीं है, कहाँ जाना है आज। तो फिर ये है कि अभी नाश्ता करके आपसे मिलते हैं। नाश्ता कर लिया मैंने और मैं छत पर आ गया, मैंने कहा चलो थोड़ी धूप सेक लेते हैं, धूप भी लेना इंसान के लिए ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो धूप ले लेते हैं। बाकी ये कि धूप में मज़ा आ रहा है, चाय पीते हैं धूप, ऊपर से गर्म चाय तो मज़ा ही आ रहा है। बाकी धूप तो बहुत तेज़ है आज, ये कि आँखें भी सही से नहीं खुली धूप में। तो बाकी है अभी मैं जाना है एक दो काम से, आपको भी दिखाएँगे कहाँ जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह करने जानी है तो वहाँ भी जाएंगे और दोस्तों से मिलना है कोई, उनको भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कौन दोस्त हैं। बाकी अभी वहाँ जाके बाइक पे जाऊँगा तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग करूँगा नहीं, आपको पता है छीना झपटी हो रही है कराची में बहुत, तो ब्लॉग इतना कर नहीं सकता। ये है कि वहाँ पहुँच के आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ब्लॉग करूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ। अभी ये कि खाने का प्लान बन रहा है कुछ बाहर, तो फिर कुछ खाएँगे तो आपको दिखाएँगे ज़रूर। बाकी ये कि चल जाके चाय पी के फिर निकलता हूँ मैं तैयार होके फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो आ गया था मैं दोस्त के पास, इसको मैंने कहा था ना कि इसको लेने जाना है, तो मैं इसके पास आया। अब हम लोग को थोड़ा काम था तो हम लोग एंग्लो फाइल आए थे अपने कोचिंग वगैरह, तो बाकी अब देखें कहाँ जाना होता है। भाई कहाँ जाना है यार, चलते हैं कुछ खाने पीने, चलते हैं थोड़ा कुछ खाने पीने, चलते हैं कोई या होटल चलते हैं। होटल बैठ जाते हैं, तो कौन से होटल पे बैठ जाएंगे, थोड़ा ब्लॉग भी हो जाएगा उधर, कोल्ड्रिंक वगैरह पी लेंगे। बाकी है कि देखते हैं आगे और क्या करना है, अभी तो यही है कि फ़िलहाल कोचिंग आए में तो ज़रा ये शोर वगैरह तो मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कोचिंग वगैरह में ये सीन तो होती है। बाकी है कि थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं दोबारा होटल पे जाके, रास्ते में हम इतना मोबाइल निकालते नहीं है क्योंकि कराची गए, वरना यहाँ कोई गन आगे लग के ले जाएगा मोबाइल, तो इससे अच्छा है तो हमने इसलिए। बाकी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। आने थे जैसे कि होटल पहुँच गए, तो ये बैठे हुए हमारे दोस्त साहब सामने, तो यहाँ पे होटल में आए थे ज़रा, चलो होटल में बैठते, बाहर से होता वो नहीं होता, होटल में बैठ के उससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ बातें वैसे करती थी। हमें आगे अभी हम लोग जा रहे हैं कितने एक आधे पे, इसकी बर्थडे आ रही है साहब की, इन बर्थडे आ रही है तो सीट चाहिए, तो हमने दस प्लान करेंगे इन शाला, वो भी आपको आने वाले वाले पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी है कि भाई क्या चाहिए आपको अपनी ट्रीट पे, जो आप कुछ दे, फिर भी आपको मतलब कुछ होता है ना पसंद बंदे की, आप अच्छी जगह कुछ खिला। अच्छा KFC चलें उस दिन, चलो ये है कि हम लोग का प्लान है KFC वगैरह जाएंगे, अगर वरना फिर और जगह देख लेंगे जहाँ हमारा दिल जाने का। बाकी ये क्या, अब बाकी इनके ऊपर है ये क्या करते हैं हमारे दोस्त साहब, आ जा भाई पी ले, मंगवा ली तेरे लिए। तो अभी ये क्या हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, फिर इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से निकलेंगे 1 बजे भी थोड़ा सा, फिर वहाँ जाऊँगा घर पर वगैरह, अपने घर से कुछ काम है, फिर आपको शाम में इंशाल्लाह फिर अभी कोचिंग टाइम हो जाएगा हम लोग का, फिर कोचिंग में मिलेंगे हम लोग। हम लोग एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं वैसे, ये हमारे साथ है, हम लोग एक कोचिंग में फीस पढ़ते हैं। बाकी ये हमारा होटल है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, क्या करें यार, हमारे सिक्योर नहीं है ना तो अंदर बैठे हुए सुकून से। बाकी अभी मिलते हैं।
बाकी यही है, हम लोग देखते हैं अभी आगे क्या करना है। अभी तो हम फिलहाल घर जाएंगे, अभी बाहर के आपको रोड के सेटलमेंट दिखाएंगे कि कराची का शहर कैसा है। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई अभी सारे काम से फारिग हुआ हूँ, अभी अभी घर आया। मैंने कहा चलो धूप अच्छी आ रही है, थोड़ी धूप ही ले लें। तो धूप ले रहे थे तो मैंने कहा चलो धूप लेते लेते आप लोग से भी कांटेक्ट कर लें। आपको बताया था अभी दोस्त के पास था, दोस्त के पास से अभी घर आया हूँ। तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए, तो अब 4:30 बजे मेरा कोचिंग है। अब यही है कि 4 बजे कोचिंग है, अभी कोचिंग के लिए भी तैयार होना है। तकरीबन 3:30-4 बज जाएंगे, तो अब ये है कि 3:30-4 बजे तक मेरा कोचिंग, 4 बजे कोचिंग है। तो अब ये है कि मैं तैयार होने जाऊंगा, तैयार तो हूँ वैसे ही, बस थोड़ा हाथ मुँह धो के कोचिंग के लिए जाऊंगा। तो कोचिंग के लिए जाने तक के लिए, तब तक आप ये है कि आप मेरे सिनेमैटिक्स देखें जो मैंने अभी बनाए। तो फिर मैं आपसे कोचिंग में आने के बाद आके मिलता हूँ। तो मैं कोचिंग से आऊँगा तकरीबन 6 बजे तक, तो 6:30 पर आपको मैं वापसी ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि नमाज वमाज़ पढ़नी होगी मगरिब की। तो फिर मैं आपको 6:30 बजे वापसी ज्वाइन करता हूँ। जैसे कि मैं आया हुआ था अपने दोस्तों के पास, अभी कोचिंग ऑफ हुआ था तो मैं अपने दोस्तों के पास आ गया था, दोस्तों के पास आया था अपने कोचिंग ऑफ हुआ, दोस्त को छोड़ा। तो ये सारे बैठे हुए हैं, ये हमारे अवेश भाई बैठे हुए हैं, तो ये तैमूर भाई हैं, उबैद भाई हैं, सब बैठे हुए हैं। मैं आया था अवेश भाई को छोड़ने अपने कोचिंग के दोस्त हैं, उनके यहाँ छोड़ने आया था घर पर। तो ये ग्राउंड में आए हैं, अब ये कि यहाँ क्रिकेट वगैरह हो रहा है ग्राउंड में, तो ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह चल रहा है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग बना लें, क्योंकि व्लॉग एंड करना था, मेरी रात हो रही है, मगरिब हो जाती है तो मेरा व्लॉग एंड हो जाता है। तो यही है कि तैमूर भाई लोग के साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर 5-10 मिनट फिर अजान हो जाएगी, नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ के फिर सीधा हम लोग घर चले जाएँगे। घर जाएँगे तो हमें व्लॉग बनाने की जगह नहीं होगी। तो यह है कि हम अभी अवेश भाई के साथ बैठते हैं। और अवेश भाई क्या हाल है, कैसे उठी भाई, सब्सक्राइब करो छोटा भाई हमारे। तो ये भी हमारे सारे भाई बहन लगे हुए हैं यहाँ पे, सारे भाई वगैरह बैठे हैं हमारे साथ। तो अब ये है कि हम देखते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक, सब ठीक है हमारे, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस व्लॉगिंग शुरू किया अभी, न्यू न्यू। अच्छी बात है, तो फोन करते रहो, करते रहो, शुक्रिया। तो यही है कि हम लोग चलते हैं, बाकी ये घर जाएंगे, घर जाके आपको कुछ शॉर्ट दिखा देंगे, घर जाके फिर आपको। तो मैं वहाँ से दोस्तों के पास से आके सो गया था, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा उठाऊँ, तो मैंने कहा चलो आपसे तो बात कर लें, वैसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी कुछ बात हो नहीं पाएगी। बस यही है कि आप लोग से ये है कि व्लॉग को देखें, अपना प्यार दिखाएं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।